वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली और इस वीडियो लेसन में हम सॉल्व करेंगे यूपी टेट 2011 का पेपर जो कि प्राइमरी लेवल का था। उस पेपर में 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और मैथ्स के 30 क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन के 8 क्वेश्चन आए थे। जी हाँ, भिन्नों पर जो बेस क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली 8 क्वेश्चन पूछे हुए थे, जितना अभी तक हमने 7 वीडियो लेसन में पढ़ा है। ठीक है, उन वीडियो लेसन को देख लीजिए, सातों के साथ को, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उनके और कमेंट में मिल जाएगा या फिर चैनल पर आकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी पूरी बैक टू बैक सारे लेसन। तो वो आपकी फाउंडेशन है जो कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा देगी यूपी टेट के 2011 के पेपर को। पेपर चेक करिए और देखिए उनमें। आप हमारे कोर्सेज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक दिए हुए हैं। 24 कोर्सेज है जनरल स्टडीज़ प्लस मैथ्स के, तो आपके बेहद काम आने वाले हैं आपके अपकमिंग वैकेंसीज के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। ये 2011 का सेट में कर रहा हूँ, उसमें जो पहला क्वेश्चन फ्रैक्शन पे बेस था वो ये था, एक सही एक बटे दो में कितने आधे हैं। आपको बताना है एक सही एक बटा दो में कितने आधे हैं। इसका मतलब क्या है, आधे का मतलब मैंने आपको बताया था भिन्न के दूसरे या तीसरे वीडियो लेसन में। तो जैसे एक नंबर है ये वन को मुझे दो जगह बांटना है, दो हिस्सों में दो जगह डिवाइड करना है, तो मैं उसको बाई टू कर दूंगा, तो इसको क्या हो गया, ये दो हिस्सों में बट जाएगा वन, तो इसको ही बोलते हैं हम आधा। ठीक है, तो इस तरह के आधे इस नंबर में कितने हैं। ठीक है, वन एक सही एक बटा दो में आधे कितने हैं आपको ये बताना है। तो आप जो बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, उनको लगेगा एक नंबर का क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे इसमें, तो हमें ये एक बटा दो या आधा तो एक ही बार दिखाई दे रहा है, तो इस आंसर को लगाकर वो अपने गाँव वापस आ जाएंगे। ठीक है, जबकि ये आंसर गलत होगा आपका। ठीक, अब देखते हैं कैसे गलत होगा। मैंने बताया था आधा, किसी का भी आधा आपको करना होता है, किसी का भी हाफ, किसी भी संख्या किसी नंबर का हाफ करना होता है। जैसे पाँच है, पाँच का आधा कितना होगा, आपको पता है ढाई होगा, लेकिन ये मालूम है आपको 2.5 डायरेक्टली मालूम है, बट इसको लिखकर कैसे दिखाएंगे, टू पाँच का आधे, पाँच के आधे को हम इसको डिवाइड टू कर देंगे तो ये पाँच का आधा शो होगा। ठीक है, ऐसे, और डायरेक्टली हम आधा बोलते हैं तो आधा होता है आपका 1/2, तो 1/2 आधा है और आधा 1/2, इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए यहाँ ऐड करा है मैंने इसको 1/2 + 1/2, ये एक दोनों फ्रैक्शन है, इनको जब आप जोड़ते हैं, जब हर एक जैसे होते हैं तो हर को डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं और डायरेक्टली ऊपर वाले नंबरों को भी ऐड कर देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो 1 + 1 ऊपर 2 हो जाएगा 2/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बिल्कुल। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ये आधा और ये आधा जब इनको जोड़ेंगे हम तो पूरा हो गया, यानी 1 हो गया। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया था पहले, तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, आधा प्लस आधा, हाफ प्लस हाफ, तो आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है। ठीक, क्या समझ में आ रहा है आपको, इसमें एक में कितने हाफ होते हैं, दो हाफ तो ये हो गए एक में, और दूसरा है यहाँ देख सकते हैं, अच्छा एक सही एक बटा दो, तो आधा बोलते हैं हम किसको बोलते हैं, एक बटा दो को। अब इसको देखिए, एक सही एक बटा दो को आप कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था आप एक सही एक बटा दो अगर कोई भी संख्या आपके पास है और इसमें लिखी है, मिश्र भिन्न में लिखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो उसको आप डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं पॉजिटिव प्लस का निशान लगाकर। ठीक है, इस वाले नंबर के बाद आप डायरेक्टली प्लस लगा दीजिए, उनको अलग अलग कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको हम वन और ये हाफ इसको अलग कर सकते हैं प्लस में, आप अभी भी ये एक ही चीज़ है, मैं इसको साबित करता हूँ ये दोनों बराबर कैसे हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपके वन एक सही एक बटा दो दिया हुआ है, हम इस मिश्र संख्या को, सॉरी इस मिक्स फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, इस दो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 और इसमें ऐड हो जाएगा ये 3, तो ये 3/2 है, यानी एक सही एक बटे दो को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है उसमें, ठीक ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हमने क्या किया, इस 3/2 को, एक सही एक बटे दो को हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, मैंने इसको ऐसे लिख के देखा, एक सही एक बटे दो को 1 + 1/2 ऐसे मैंने लिखने की कोशिश की, और मैं देखता हूँ क्या ये चीज़ बराबर आएंगी कि नहीं। देखिए इस 1 को 1 डिवाइड भी मान सकते हैं। ठीक है, आप इसका फिर से आप क्या करिए, यहाँ पर इन दोनों को जो है यहाँ पर 2 × 1 नीचे ले लीजिए, हर में 2 × 1 क्योंकि 2 है यहाँ पर, 2 और 1 है, हर ले लिया और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो यहाँ 2 आया और यहाँ 1 आया, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3/2, अभी भी ये 3/2 ही है। ठीक है, 3/2 का मतलब होता है 3 का आधा, 3/2 का मतलब होगा 3 का आधा, 5/2 का मतलब होगा 5 का आधा, 1/2 का मतलब होगा 1 का आधा। ठीक है, तो 3 का आधा कितना होता है, डायरेक्टली आपको याद है कि 1.5 यानी कि 1.5 होता है। ठीक, तो 3/2, 1 सही 1/2, 1 + 1/2 और ये 1.5, ये सभी बातें बराबर हैं, आपको समझ आ गया। तो इस संख्या को हम कोई भी संख्या हो, 4 सही आपको 1/2 दिया है, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 4 + 1/2,
अभी भी ये 4.5 ही है देखो, ठीक है। अब इनका एलसीएम लो तो 2 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम यहाँ अभी ले नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आदत है एलसीएम लेने की, ठीक है। एलसीएम वाले टर्म को मैं यहाँ अभी अवॉइड कर रहा हूँ, आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो उसको हम एलसीएम ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए नीचे, ठीक है। 1 और 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसकी ऐसे गुणा करेंगे तिरछी, 8 और 1 9, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 9, तो 8 और 1 9/2। अगर 9/2 का मतलब होता है 9 का आधा जब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो 4.5 ही आएगा, ठीक है। 4.4, अभी भी ये 4.4 है और यहाँ पर भी 4.4 ही था। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत जगह काम आएगी ये, ठीक। तो आप इसको डायरेक्टली 1+1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसमें हमने देखा था, अभी देखा था हमने, 1 में कितने हाफ होते हैं, ये 2 हाफ थे, 1 हाफ ये था 1 हाफ ये था, 2 हाफ ये हो गया, और 1 ये तीसरा हाफ, इसमें 1.5 में ये आ गया, ठीक है। तो 1 हाफ 2 हाफ 3 हाफ, तो टोटल कितने हाफ हो गए, 3 हाफ से मिलकर बना है 1.5। आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते थे कि 1, जब ये 1.5 है संख्या, 1 से 1/2 का मतलब है 1.5, अगर 3 से 1/2 का मतलब होता तो ये 3.5 कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब इसमें क्या है, डायरेक्टली आपको पता है 1 नंबर में कितने होते हैं, 2 हाफ होते हैं, क्योंकि आधा और आधा मिलकर ही तो बनते हैं 1 और 1, ये है डायरेक्टली, तो ये कितने हो गए 3 आधे। तो यहाँ से भी सीधे मार सकते थे आंसर आप करके, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये इतना सारा जो आपको मैंने यहाँ किया है, ये सब आपको समझाने के लिए है, इतना वर्क नहीं होता है इन क्वेश्चन में, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बस यही करना था इसमें। देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी, ये भी 2011 का ही क्वेश्चन है, 2011 के पेपर में, -2 की गुणा -3 से, और -4 -5 -6। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आपकी, ये मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ठीक है। और भी क्वेश्चन हैं, वो आपको देखने होगा वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको फ्रैक्शन अभी तक पढ़ा है उसका एप्लीकेशन देख लीजिए आप अपनी आंखों के सामने, कितना सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने में क्या है, 2 की गुणा 3 से कर देंगे, 2 3 6, 6 4 24, 24 की 5 से गुणा, फिर 6 से गुणा, ठीक है। 24 ये हो गया, और इधर 5 6 30, 30 गुणा कर दे यहाँ, ठीक है। तो क्या हुआ ये, तो सिंपली ये 2 की 3 से, 3 की 4 से, 4 की 5 से, 5 की 6 से गुणा। तो ये मतलब कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है किस चीज़ का है, एक प्रॉपर्टी का डिस्कस किया था हमने कल आपको, आप में से एक स्टूडेंट का कमेंट है कि उनको ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई, क्या है इनका, क्या मीनिंग है, क्या इनका पर्पज़ है, कहाँ यूज़ करेंगे। जबकि मैंने यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा दिया था सारी चीज़ों को, कि कोई संख्या अगर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव की अगर 2 संख्या है, दोनों संख्याएं नेगेटिव हैं और उनकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई जो उनका प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा, प्लस का ही आएगा, ठीक है। निशानों की गुणा माइनस और माइनस के निशान की गुणा आपकी प्लस आएगी, प्लस प्लस निशान की गुणा आएगी प्लस, मतलब ये निशान कहाँ मिलेंगे आपको, किसी नंबर के साथ अटैच होंगे, ठीक है। आप देख लीजिए इसका एप्लीकेशन यहाँ पर। अब इन 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, पहले 2 और 3 की मल्टीप्लाई आएगी 6, और माइनस की गुणा क्या हो गई, प्लस। यहाँ देखिए माइनस और माइनस की गुणा क्या है, प्लस, यहाँ लिख दिया मैंने डायरेक्टली, ठीक है। इन दोनों को लिया और माइनस की गुणा पहले प्लस होगी, प्लस को लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, प्लस। फिर अगले 2 टर्म उठाए मैंने, इनकी गुणा कर लीजिए, 4 5 20, ये गुणा में ही अभी, ये वाला गुणा का निशान यहीं लिख दीजिए, मल्टीप्लाई यानी कि, और 4 5 20, और माइनस माइनस की गुणा कर लीजिए, प्लस हो गया, ये भी प्लस मैंने लिखा नहीं, जहाँ प्लस आता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक, शुरुआत में ही। और गुणा अभी देखिए यहाँ, ये वाला गुणा का निशान यहीं पर है, और ये -6 ऐसे ही लिख दिया मैंने, गुणा में बाकी है अभी, ठीक। ये आपको मैंने कंसीडर कर रखा है कि आपको नहीं आता है कुछ भी मैथ्स, उसके ही अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये वो क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, कुछ और नहीं है। देखिए कितना बेसिक हमने किया था, और सारे बेसिक से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस से हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करने होंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 6 और 120 है, और ये माइनस का 6 है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो एक निशान हमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव की गुणा होगी तो पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव और निगेटिव की गुणा होगी तो क्या आएगा, निगेटिव में। तो पहले आप यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो ये देखिए 6 की और 20 की गुणा करेंगे तो 120 आएगा, और गुणा माइनस के 6, तो ये प्लस का निशान है और माइनस का, तो प्लस की संख्या और माइनस की संख्या की गुणा होती है तो माइनस में आता है, और 12 6 72 यानी 720 इसका आंसर है। आपको आंसर और ये क्वेश्चन पूछा क्यों है, आप ज़रा इसको भी समझ लीजिए कि इतना बेकार क्वेश्चन, रद्दी क्वेश्चन देने का क्या मतलब है। वो आपके कॉन्सेप्ट को जांचना चाह रहे हैं कि आपको ये बारीकियाँ आती है नहीं, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई कर पाते हैं कि इन संख्याओं की नहीं। अगर आपको आता तो ठीक है, नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आप गलत कर ले जाएंगे। अब इसमें भी कुछ बच्चे निकाल लेंगे क्वेश्चन का आंसर 720 जब निकालेंगे तो डी ऑप्शन मार के भाग लेंगे, बट ये गलत है, ठीक। आंसर है सी,
देखिए प्लस और माइनस का चेंज करने पे ही कितना बड़ा फर्क हो जाता है। आगे चलेंगे तो ये प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा आप। एक और क्वेश्चन आया था, देखिए कितने कितने आसान क्वेश्चन हैं, गुणा भागों पर है, मल्टीप्लाई डिवीजन प्लस माइनस, ये दी हुई थी एक संख्या, एक टर्म दिया हुआ था संक्रिया 9+7 भाग का निशान 4×5, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना कि कितना आएगा। तो इसको हमने ऐसे ही उतार लिया। एक एक टर्म है आपको याद रखनी है, स्पेलिंग बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास को याद रखना है, BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो को ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक बोलते हैं, भाग को बोलते हैं डिवीजन, मल्टीप्लाई को बोलते हैं गुणा, एडिशन को बोलते हैं जोड़ और सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं घटाना। ये मैंने क्यों लिखा, जब आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर गुणा भी हो रही है, भाग भी हो रही है, प्लस माइनस सब कुछ हो रहा है, ठीक है, यहां देखो गुणा है, सॉरी यहां पर भाग भी है यानी डिवीजन भी है, मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है, सारे ऑपरेशन एक साथ अगर आपको दे रखे हो तब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो बोर्ड मास नाम की, इसको याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को, बोर्ड मास रूल को। इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो भी ब्रैकेट दिया हुआ है, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद आपको डिवीजन को सॉल्व करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई वाले फैक्टर को सॉल्व करने होता है, उसके बाद एडिशन वाले को। तो अब इसमें शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट पे चले जाओ, ब्रैकेट में जो भी है उसको अगर गुणा में दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, उसको गुणा कर लो पहले, जोड़ में दे रखा जोड़ कर लो, डिवाइड में दे रखा तो डिवाइड कर लो, लेकिन ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर प्लस करना है 9 और 7 को, 9 और 7 को जब आप प्लस करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो वो 16 हो जाएगा, ठीक। ये डिवाइड का निशान ऐसे ही उतार लिया हमने, और ये 4×5 को भी ऐसे ही उतार लिया यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला काम खत्म, ब्रैकेट वाला सोल्व हो गया हमारा। अब क्या करेंगे आप, इसको अब नंबर आता है डिवीजन, डिवीजन कहाँ है, किन किन के बीच में है, अब डिवीजन ये बचा 16 और 4 के बीच में, 16 और 4 को जब आप डिवाइड करते हैं तो 4 बार ही तो जाता है, 4×16, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 4 आएगा, और ये जो मल्टीप्लाई है इधर, ये मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, और ये 5 ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, यहीं पर अभी भी बाकी। तो 4 और 5 की गुणा हो जाएगी 20, इसका आंसर है 20, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इस तरह से करने होते हैं। समझा रहा हूँ मैं इसलिए आपको, एक एक पॉइंट एक एक स्टेप जो है आपको बताना मुझे ज़रूरी है, ठीक है, आप ताकि क्वेश्चन कर लें, आप इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आप, और पेपर्स उठा लीजिए। तो 4 - 1/7, ये सारी भिन्ने में करवा चुका हूँ आपको, ठीक है, विदाउट पेपर, बट अब पेपर में भी देखने को मिली ही थी 2011 के, तो आपको फ़ायदा है इसमें। तो 4 - 1/7 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप कर लीजिए 4 / 1 मान सकते हैं, तो 1 और 7 की गुणा कर लीजिए नीचे, और 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 21 में कर लीजिए, ठीक है। तो 7×28 हो जाएगा, ये डायरेक्टली मैंने कर दिया, और 1 की 1 से गुणा हो जाएगी तो 1 ही रहेगा, ठीक। तो अब 28 हो गया है, 28 - 1 होगा 27, 27/7, अब आंसर 27/7 कहीं दे रखा है क्या ऑप्शन में, नहीं है, आगे बढ़िए। अब क्या करो डायरेक्टली, ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन बन सकती है, कैसे, क्योंकि जो इसका न्यूमिरेटर है, अंश है, वो बड़ा है इसके हर से, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए 27 को 7 से, तो 3 बार जाएगा, 7 * 3 = 21, 7×28 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 * 21 में 6 बचा आपका रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर जब बचा तो अब इसको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इस 3 को आप लिखेंगे यहाँ, और इस 6 को लिखेंगे यहाँ, और 7 नीचे रहेगा जैसे पहले था, तो 7 * 3 = 21, 21 में अगर आप 6 ऐड करेंगे, 21 * 6 = 27, तो अभी भी 27/7 ही है ये संख्या, ठीक है, तो 27/7 ही है ये संख्या, दोनों बराबर है। तो आंसर चेक कर लो भैया, पहले कौन सा है, 3 सही 6/7 आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, मैं सारे करवा चुका हूँ, ये आपको प्रैक्टिस बिल्कुल शुरुआत में ही, वो प्रैक्टिस थी आपकी, अब इनको अप्लाई करना है, क्वेश्चंस वही आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही पेपर में इतने सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। ये भी 2011 का ही क्वेश्चन है, 2 सही 1/4 को 3 सही + 3/4 में आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आप इसको देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं इसको एक लाइन में बता सकता हूँ इन क्वेश्चंस को, लेकिन आपको समझाना है, ये चीज़ प्रैक्टिस से जब आपको आ जाएगी तो आप, आपका दिमाग खुद ही डेवलप होता चला जाएगा, और खुद ही आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमें पता है अभी तक पढ़ा है, हम तो उसी रूल को फॉलो करेंगे, आप भी करेंगे। देखो 2 की गुणा 4 में कर ली, इस मिश्र संख्या को, सॉरी मिश्र फ्रैक्शन को, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदलेंगे किसमें, एक नॉर्मल फ्रैक्शन में, ठीक है, 4 * 2 = 8 और 1 = 9, ठीक है, 9/4 हो जाएगा, 3/4 ऐसे ही रहेगा। अब बटे में नीचे 4 है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, बटे में हम 4 ही रखेंगे हर में, क्योंकि हर समान है, और डायरेक्टली ऊपर वालों को, अंशों को हमने ऐड कर दिया, 12/4। अगर आपको दिख रहा है कि ये काट सकते हैं, इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 4 * 4 और 4 * 3 = 12, 4 के टेबल में दोनों संख्याएं आ रही हैं, तो इसको रिड्यूस करके 3/1 भी लिख सकते हैं, और 3/1 को ही हम 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा डी। तो एक तो हो गया ये, अब इसको दूसरे तरह से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए
एक का आधा कितना होता है, मैंने बताया था एक का आधा होता है 1/2, एक का आधा 1/2, और 1/2, 1/2 का आधा कितना होता है, 1/2 का आधा होता है, देखिए किसी संख्या का आधा करना होता है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं आप, तो ये 1/2 था मेरे पास, इसको मुझे क्या है 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आधा 1/2 का, 1/2 का आधा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के, तो जो 1/2 है ये अंश है पूरा, ठीक है, ये नीचे वाले को आप क्या करेंगे इसका रिवर्स, इसको ये डिवाइड में, मैंने बताया था डिवाइड में जब भी कोई चीज़ होती है उसको रिवर्स करते हैं तो मल्टीप्लाई का निशान आ जाता है, अगर मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई में आ जाता है, अगर डिवाइड के निशान को आपको चेंज करना है तो वो उसको रिवर्स कर लेते हैं आप दूसरी वाली जो फ्रैक्शन उसके साथ होती है। तो अब इस 2 है तो 2 को आप जो है रिवर्स कर लीजिए, ठीक है, तो ये भाग का निशान हट जाएगा आपका, तो ए ऊपर ऊपर वाले गुणा नीचे नीचे वाले गुणा, तो 1/4, ठीक है, तो आपको क्या समझ आया यहाँ पर 1/4। अगर ये देखो ये 1/4 है और ये 3/4 है, ठीक है, 1/4 और 3/4 को आप डायरेक्टली जब ऐड करते हैं तो वो 1 ही बनेगा हमेशा, जोड़ के देख लीजिएगा आप, 1+2 डायरेक्टली 3 हो गया इसका आंसर, ठीक। तो सेकंड मेथड में ऐसे ही किया है मैंने, 2 से ही 1/4 है और 3/4, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ 2+1/4 में लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि पिछले पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक, अभी भी ये वही है और अभी भी ये बात दोनों बराबर हैं जो 2 आपके सर्कल में दिख रही हैं, आप कर लीजिए ट्राई जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर, देखिए आपको कितना आता है। अब 1/4 और 3/4 को ऐड करो, मैंने बताया था 1/4 और 3/4 को आप ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 क्यों, मैंने ऐसे क्यों कह दिया डायरेक्टली, देखिए नीचे आपको देखा 4 जब हर एक से हैं दोनों के तो 4 ले लिया और ऊपर क्या बचा 1+3 डायरेक्टली ऐड कर दो, 4/4 हैं, 4/4 आया, ठीक है, तो 4/4 को ये डायरेक्टली कट सकते हैं, तो इस पूरे की जगह 1 हो गया, ठीक है, 1 और 2 3 होते हैं, ऐसे आपको सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल करना है आपको, ये क्वेश्चन है सॉल्व करना है इसको, बोर्ड मार्क्स का भी ख्याल रख सकते हैं इसमें भी आप, तो 1/3 + 7/9 डिवाइड बाई 7/10 इनटू 1/4 है, तो बोर्ड मार्क्स के रूल से इसको करना है आपने। आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे ब्रैकेट वाले पोर्शन को जो है कर लीजिए खत्म, तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ 1/1/4, 1/1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4 और 1 × 5, तो 5/4 इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया है हमने यहाँ। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हों अंश और हर वाले उनको कर लीजिए, 5 × 5 5 × 2 = 10, ठीक है, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पर, तो इनको इन टर्म्स को ऐसे ही लिख लिया यहाँ तक हमने, ठीक है, तो यहाँ ऊपर हो गया 7 और ये दोनों की मल्टीप्लाई करो 4 और 2 यहाँ बचा नीचे, तो नीचे वालों की हर की गुणा हर में करनी होती है, अंशों की गुणा अंश में करनी होती है, ठीक, तो 7/8 हो गया। अब बात आएगी डिवीज़न वाले की, अब डिवीज़न को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, मैंने कहा था ना बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग चलते रहिए, तो डिवीजन वाला पोर्शन हमें ये मिल रहा है दोनों का, दो भिन्नों की डिवीजन हो सकती है, दो संख्याओं की डिवीजन हो सकती है, तो 7/9 है, 7/9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस भिन्न इस भाग वाले निशान को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए और इसको रिवर्स कर दीजिए, 7/8 का 8/7 कर दीजिए, तो ये भाग का निशान हट जाएगा, ठीक, तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो 1/3 ऐसे ही लिख लिया और ये है 8/9 यहाँ से बच गया, ठीक, 8/9 जब बच गया तो इसको आप क्या करेंगे, जब कभी ऐसा होता है या तो आप डायरेक्टली 3×9 लिख लीजिए अंश हर में, ठीक, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं और जो दोनों हर हैं अगर आपको एक ही पहाड़े में एक ही टेबल में मिल रहे हैं 3×3 × 3 × 6 × 3 × 9 एक ही टेबल में मिल रहे हैं तो बड़ा वाला टेबल आप ले सकते हैं, ठीक है, सॉरी बड़ी वाली संख्या आप ले सकते हैं दोनों में से, तो बड़ी वाली संख्या को हमने हर में ले लिया। अब इस 9 को हम जो है 3 से 3 बार ही तो डिवाइड कर सकते हैं, 3 ही, ठीक है, 3 × 9, ठीक है, तो 3 × 9 यहाँ तिया जो है इस तिया की मल्टीप्लाई करेंगे इस 9 से, ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं इसको छोड़िए यहाँ से इसको हटाइए, तो ये हो गया यहाँ पर आप ले लेंगे कितना 9 ले लेंगे और यहाँ पर 3 हो गया और ये 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 9 ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये बात वही है अभी भी, ठीक है ना, तो 3 + 8/9 तो यानी 11/9, 11/9 को अब आप देखिए 11/9 को आंसर दिया हुआ है कि 11/9 नहीं है, तो आपको फर्दर डिवाइड करना है ये, ठीक है, 9 से 11 को जब डिवाइड करेंगे तो आप ये कर सकते हैं इजीली, 1/2 आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं आपको, अगला क्वेश्चन नहीं है तो इस क्वेश्चन इतने ही क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में अभी कुछ और बचते हैं फ्रैक्शंस के उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो इसमें तुरंत कमेंट करके बताओ, लेकिन सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं, एक चीज़ आपको बिल्कुल स्मूथली बताई है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर अब, ठीक है, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो मैं वो भी कर दूंगा, तो आप प्रिपेयर करिए इसको अच्छे से, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चंस की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक, तो इनके स्टेप्स मैं रिड्यूस कर सकता हूँ अभी डायरेक्टली भी,
और ये डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस से आएगा, मैं बता रहा हूँ। जितनी प्रैक्टिस आप मैथ्स की ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको निखर के आएगा, उतना ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक, ये तो इस तरह के क्वेश्चन है, और तरह के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा, मैथ में भी पढ़ने के लायक हो जाएंगे, मैथ्स को अटैम्प्ट करने के लायक हो जाएंगे क्वेश्चंस पेपर्स में, और पढ़ाने के लायक भी हो जाएंगे आप। थैंक यू सो मच।